हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टॉप 5 एड नेटवर्क के बारे में, जिसका यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लो प्राइस में एंड्रॉयड ऐप बनवाना है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन पाँचों एड नेटवर्क को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश करूँगा। लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। मैं इस एड नेटवर्क को यूज़ करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी करंट टाइम में इसका ECPM बहुत लो है और इसका फिल रेट 10% से भी नीचे है। अगर आप न्यू डेवलपर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस एड नेटवर्क को यूज़ मत करो। लिस्ट में चार नंबर पर आता है आयरन सोर्स। इसमें आप लोगों को बेटर फिल रेट देखने को मिल जाएगा और इसमें एवरेज ECPM देखने को मिल जाता है, और आयरन सोर्स में आपको ऑफर वाल एड नेटवर्क भी देखने को मिल जाएगा, और इस एड नेटवर्क की मिनिमम पे आउट $1 है। अगर आप $1 कंप्लीट करते हो तो आपको पे आउट मिल जाएगा। लिस्ट में तीन नंबर पर आता है यूनिटी एड्स। यूनिटी एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है और इसको यूज़ करने के लिए प्ले कंसोल अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका ड्रॉबैक यह है कि इसमें बैनर एड का फिल रेट बहुत कम आता है, और इसकी पे आउट की बात करूँ तो इसमें मिनिमम $100 की पे आउट मिल जाएगा। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है एप्लोविन। अगर आपको एडमोब के अलावा किसी दूसरे एड नेटवर्क को यूज़ करना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एप्लोविन को ही यूज़ करो, क्योंकि इसमें आपको $20 मिनिमम पे आउट मिल जाता है और इसका फिल रेट भी बहुत अच्छा है। इसका ECPM की बात करूँ तो इसमें आपको एवरेज ECPM देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप लोगों को बिडिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। लिस्ट में पहले नंबर पर आता है गूगल एडमोब। मुझे लगता है आप लोगों को एडमोब के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका ड्रॉबैक की बात करूँ तो इसमें बहुत लोगों का एड लिमिट लग जाता है। एड लिमिट के अलावा इसमें आपको कोई भी बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को एडमोब का एड लिमिट से बचना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप मेडिएशन यूज़ करो। मेडिएशन यूज़ करने से एड लिमिट लगने का चांस कम हो जाता है। ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है किसी अच्छे एड नेटवर्क को मैंने मिस कर दिया है तो आप कमेंट में बता सकते हो।